उत्तर प्रदेश की जिला फिरोजाबाद में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी लाल प्रजापति अपने साथियों के साथ आए। उन्होंने अपने फिरोजाबाद के महानगर अध्यक्ष धनवीर सिंह की पूरी टीम को संगठन विस्तार के बारे में समझाया। वहीं विश्व हिंदू महासंघ फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने अपने महानगर अध्यक्ष धनवीर सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज पुण्यतिथि, ये तीसरी उनकी पुण्यतिथि है। 12 सितंबर को ही वे ब्रह्मलिंग हुए थे। उनके दो सपने थे। पहला सपना था राम मंदिर का भव्य निर्माण, दूसरा सशक्त हिंदू समाज, शक्तिशाली हो, संगठित हो। इन दोनों सपनों को पूरा करने के लिए उनके शिष्य तथा आज के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी प्रयत्नशील हैं। उसी महंत अवैद्यनाथ जी की पुण्यतिथि के संदर्भ में 6 सितंबर से 12 सितंबर तक साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है। आज 12 सितंबर को फिरोजाबाद हम उसी पुण्यतिथि के राम मंदिर निर्माण के लिए आगे क्या कदम होगा सरकार का, जिससे कि राम मंदिर बनने की सारे रास्ते क्लियर हो जाए। देखिए, देश की आज़ादी के बाद दो आंदोलन हुए जिससे पूरा जनमानस जुड़ा। पहला राम जन्मभूमि आंदोलन था, जिसमें भारतवर्ष का ही हिंदू समाज नहीं अब तो जहाँ भी विदेशों में रह रहा है वह भी तैयार हुआ। दूसरा आंदोलन भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना हजारे जी ने, और दोनों ही आंदोलनों से बहुत बदलाव देश के अंदर आया है। और निश्चित तौर पर राम जन्मभूमि का जो मामला है उसमें मंदिर का निर्माण होना है और हर कीमत पर होना है। अब कोर्ट और सरकार के बीच का मामला है, वह जल्द जनमानस की भावनाओं को समझते हुए सरकार कोर्ट से बात करेंगे और इसका फैसला जल्दी ही हिंदू पक्ष के हमारे आराध्य भगवान श्री राम के पक्ष में जाएगा और मंदिर का निर्माण होगा। तो फिरोजाबाद में आए दिन अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे कारनामे आए दिन हो रहे हैं। पुलिस बिल्कुल नाकाम है, पुलिस प्रशासन हर तरीके से निष्क्रिय हो चुका है, अपराधियों का साथ दे रहा है। कल विधायक, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा थाना मटसेना में बीती रात करीब 14 घंटे तक अनशन पर बैठे, उन्होंने धरना दिया। ऐसा है कि लगातार जो प्रशासन की मानसिकता है वो दूषित हो चुकी है। 14 वर्ष से उन लोगों का जो भ्रष्टाचारी रहा है और जो अपराधियों से संबंध रहे हैं, आज सरकार बनी है, गुरु महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो उनको सुधारने में समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है तो पहले से काफ़ी सुधार है और उसका आंकड़े भी देख लीजिए, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और जो सुधार होने चाहिए वो भी अच्छे तरीके से होंगे। और सरकारी तंत्र को, प्रशासन को ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मराज की स्थापना हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। We'll be right back.